तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना सैमसंग के एक ऐप के अपडेट के बारे में और नए चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, उस ऐप का नाम है सैमसंग क्लॉक ऐप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐप होती है हर मोबाइल। तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के क्या नया चेंजेस किया गया आपका आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग क्लॉक ऐप की नई अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आप सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मेन्यू में, अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे वहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे क्लॉक के अंदर एक नया अपडेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो इस ऐप का वर्जन क्या बोल सकते हैं, इस अपडेट का वर्जन नंबर है 12.2.09.0, जिसको रोल आउट किया गया है 4 जुलाई को इसको रोल आउट किया गया है। और इसका साइज 25.24 MB का है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या नया चेंजेस किया गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, पहले तो मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ इम्प्रूव एंड स्टेबलाइज सम फीचर्स। तो इसमें कुछ इन्हांस कोई फीचर एड ऑन किए गए हैं और इम्प्रूवमेंट की गई है। तो दोस्तों, आप बोलेंगे यार क्लॉक ऐप तो क्लॉक ऐप होती है, इसमें क्या नया अपडेट और क्या इसमें क्या होता है। दोस्तों, ये जो क्लॉक ऐप है, ये बहुत ही कमाल की ऐप है। इस ऐप के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलार्म सेट आउट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लॉक लगा सकते हैं, स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, टाइम फीचर्स यूज कर सकते हैं, टाइमर यूज कर सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहले मैंने कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि अलार्म लगा हुआ है तो आपको बता देगा भैया आपका अलार्म लगा हुआ है एवरी डे का और कब बजने वाला है। आपको ऊपर नोटिफिकेशन अलग से दे ही रहा है, आप कब कब अलार्म लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलार्म यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। बगल में वर्ल्ड क्लॉक में जाएंगे तो आप अपनी वर्ल्ड क्लॉक एड ऑन कर सकते हैं। जितने भी आपको सिटीज करना है या कंट्रीज करना है, आप यहाँ पर प्लस करके उसको एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे स्टॉपवॉच, आप स्टॉपवॉच यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लैब लगा सकते हैं उसके अंदर, कितनी सारी यहाँ पर आप लैब लगा सकते हैं स्टॉपवॉच के अंदर, और यह सब आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा। आप यहाँ पर उसको कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपको ये ध्यान भी रहे, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और आप वहाँ से चले भी जाएंगे तो स्टॉपवॉच ऑफ नहीं होगी, वो चलती ही रहेगी। ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। और रिज्यूम और रिसेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। सेम ऐसे ही आपको टाइमर पे भी मिलेगा। टाइमर आप देख सकते हैं चल रहा है, 98 घंटे का मैं टाइमर यूज़ कर सकता हूँ। और ये टाइमर जैसे चालू करेंगे, टाइमर चलता जाएगा। और आप बैक भी कर देंगे तो भी आपको ये नोटिफिकेशन में टाइमर आपको दिखा देगा। आप देख रहे होंगे टाइमर आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देगा। तो ये बहुत ही कमाल का जो ऐप है, बहुत ही कमाल का है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप जाएंगे 3 डॉट्स में, यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा साइलेंस अलार्म व्हेन सिस्टम साउंड इज ऑफ। आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे तो जब भी आपका मोबाइल म्यूट होगा, वाइब्रेट भी होगा, तो आपका जो अलार्म है ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा, वो बजेगा नहीं। इंक्लूड न्यूज़ इन बिक्सबी अलार्म, शो वेदर। आप यहाँ पर वर्ल्ड को के अंदर शो वेदर भी कर देंगे तो वहाँ पर आपको वेदर भी दिखाने लग जाएगा। साउंड आप यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं, वाइब्रेट लगाना ही लगाना वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर शो मिनी टाइमर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और परमिशन और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप बोलेंगे यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, बट यार ये इसका अपडेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर एक विजार्ड्स मिलता है क्लॉक के अंदर। जब ऐसे ही आप यहाँ जाएंगे विजार्ड्स वाले सेक्शन में, विजार्ड्स में जाएंगे, आपको जाना है क्लॉक्स में, तो आपको इतने सारे यहाँ पर विजार्ड्स मिलते हैं, जैसे अलार्म के लिए, डिजिटल क्लॉक के लिए, एनालॉग क्लॉक के लिए, ये सब यहाँ पर आपको मिलता है। एनालॉग क्लॉक में जाएंगे, यहाँ पर आप इसको सेट आउट करेंगे तो आप यहाँ पर इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेवल तक आप इसका साइज को यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्मल वॉच क्लॉक देख रहे हैं, वॉल क्लॉक देख रहे हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करके अगर सेटिंग्स पर जाएंगे तो आप इसके अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसमें हिसाब से अपनी घड़ी का डायल भी यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाला फीचर यूज़ होता है यार, जो कि मुझे बहुत शानदार लगता है इस वाली ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी कुछ बग्स होंगे, जैसे कि अलार्म टाइम पे नहीं बज रहा होगा, घड़ी बार बार अटक जाती है या फिर स्लो चल रही है, या फिर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, वो सब यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस अपडेट के बाद। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।